हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन। मैं सर हिमांशु और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड के एक कॉलेज का रिव्यू। तो आज का कॉलेज है देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो ये कॉलेज आप लोगों ने नाम इसका काफ़ी सुना होगा, उत्तराखंड का ये एक कॉलेज है। एंड चलिए जानते हैं हम देवभूमि की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, कैसे यहाँ का प्लेसमेंट सेल काम करता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, किन किन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, तो इन्हीं सभी ढेर सारी बातों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और भी बहुत सारी काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, तो आप जाके देख सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस कॉलेज की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो देवभूमि 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये एक प्राइवेट कॉलेज है। एंड इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो देहरादून उत्तराखंड में ये कॉलेज लोकेटेड है। तो देहरादून के नाम से स्माइल इसलिए आई क्योंकि यार इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, एंड देहरादून में पहाड़ों में होने की वजह से ये अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल वाला कॉलेज बन जाता है, अच्छी वाइब्स पॉजिटिव वाइब्स वाला एक कॉलेज है। खैर इस बारे में आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ इस कॉलेज की कुछ अप्रूव्ड और एफिलिएशन के बारे में, तो ये कॉलेज AICTE PCI COA CCIM मिनिस्ट्री ऑफ HRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है और एफिलिएटेड है उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। तो काफी अच्छा कॉलेज है। इस कॉलेज में आपको टोटल 2160 सीट्स अवेलेबल हो जाती हैं एंड इसका 42 एकर्स का कैंपस देखने को मिल जाता है। तो रैंकिंग के बारे में अगर मैं इस कॉलेज की बताऊं तो इस कॉलेज की रैंकिंग भी काफ़ी अच्छी है, NIRF के द्वारा इसको टॉप मोस्ट कॉलेजेस के अंदर इसकी रैंक आ जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इस कॉलेज के कुछ फी स्ट्रक्चर और कौन कौन से कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल है, क्या उनकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है और क्या आप उसमें अपना डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं या नहीं, और क्या एडमिशन प्रोसेस है। सबसे पहले बात करते हैं BTech कोर्स के बारे में। तो BTech की आप लोगों को 1,14,000 पर ईयर की फीस देखने को मिल जाती है एंड 60% से अबव आपके मार्क्स होने चाहिए 12th में, तब आप एलिजिबल है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और JEE मेन के एग्जाम के थ्रू आप इस कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकते हैं। BAMS कोर्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो 3,27,000 पर ईयर की आप लोगों को फीस देखने को मिल जाती है एंड प्लस टू में आपके 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए, तब आप एलिजिबल है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। एंड अगर मैं बात करूँ BBA कोर्स के लिए तो 74,000 अप्रोक्सीमेटली आपको पर ईयर की फीस देखने को मिल जाती है एंड आपका एलिजिबिलिटी है आपके 12th में 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं इस कॉलेज में अपना एडमिशन लेने के लिए। MBA कोर्स की इस कॉलेज की फीस 1,19,000 पर ईयर आपको देखने को मिल जाती है एंड ग्रेजुएशन में आपके 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। गेट के एग्जाम के थ्रू भी आप इस कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो BSc एग्रीकल्चर भी इस कॉलेज में अवेलेबल है आप सभी के लिए। तो 76,000 पर ईयर की आप लोगों को फीस देखने को मिल जाती है एंड आपका जो 12th में 60% से वो मार्क्स होने चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अगर बात करूँ बी फार्मा कोर्स के बारे में तो 1,34,000 आपकी पर ईयर की फीस देखने को मिल जाएगी आपको एंड आपको ये पे करनी होगी। और उसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो इस कॉलेज में आपको 60% से अबव 12th में मार्क्स चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। BCA कोर्स की फीस इस कॉलेज में 59,200 अप्रोक्सीमेटली देखने को मिल जाएगी आपको एंड प्लस टू में आपके 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो ये थे कुछ कोर्सेज जिसमें आप अपना एडमिशन ले सकते हैं एंड इस कॉलेज के थ्रू आप अपने करियर को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है, वो आती है कि भैया हमें पता है ये कोर्सेज हैं, हमें एडमिशन लेना है, लेकिन हमारी JEE मेन में रैंक नहीं है, हमारी गेट में रैंक नहीं आई है कि हम इसको क्वालिफाई कर जाएं और हमारा एडमिशन हो जाए। तो अगर आप लोगों को ये समस्या आ रही है तो आप प्लीज़ गेट एडमिशन को अप्रोच कर सकते हैं। गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में या डायरेक्ट एडमिशन कराने में। तो आप बेफिक्र होकर गेट एडमिशन को अप्रोच कर सकते हैं और अपना एडमिशन बुक करा सकते हैं। स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करें या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया गया है व्हाट्सएप, तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके भी अपने डाउट पूछ सकते हैं और अपना एडमिशन बुक करा सकते हैं। तो देखो यार आजकल एडमिशन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन बुक करा लें, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप लेट हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस कॉलेज के कुछ प्लेसमेंट सेल के बारे में। तो इस कॉलेज का प्लेसमेंट सेल भी काफी अच्छे से मतलब है, अवेलेबल है आप लोगों के लिए, नई नई कंपनियां हर साल आती रहती हैं। 40,00,000 इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज अभी तक का है एंड एवरेज पैकेज आप लोगों को 5 से 6 लाख के बीच में देखने को मिल जाता है। स्कॉलरशिप भी आपको इस कॉलेज में देखने को मिल जाती है, आप लोगों को मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाती है एंड आपका लोन प्रोविजन जो होता है वो आपका अप्रूवल हो जाता है। अगर आपको स्टूडेंट लोन के थ्रू एडमिशन लेना है तो आपको वो भी फैसिलिटी इस कॉलेज में देखने को मिलेगी। एंड अगर मैं कुछ बात करूँ फैसिलिटीज़ वगैरह की, तो इस कॉलेज में आपको सभी फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाती है। आपको यहाँ पे लाइब्रेरी, कैंटीन, आपको वाईफाई कैंपस और लेबोरेटरीज और अच्छे खासे मतलब स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स एंड आपको जो सेमिनार हॉल होते हैं वो सारी सुविधाएं आपको देखने को मिल जाती है।
तो अगर बात करूँ इसके कैंपस एरिया की तो 42 एकर्स में इसका कैंपस एरिया फैला हुआ है। काफ़ी अच्छा इसका ग्रैंड कैंपस है, बहुत ही अच्छा देखने में लगता है, अच्छी वाइब्स देता है। और मैंने आपको पहले भी बताया अपनी सारी उत्तराखंड की सीरीज़ में बता दूँ कि जो ये पहाड़ों वाले मतलब कॉलेजेस होते हैं इनकी वाइब्स अलग ही होती है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो ये एक प्यार बरसा देने वाला कॉलेज होता है। देवभूमि आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। अगर आप इसमें अपना एडमिशन लेते हैं तो आप लोग को बिल्कुल भी परेशान नहीं होगे, आप रिग्रेट नहीं करोगे, आप ज़रूर ले सकते हैं एडमिशन। एंड अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो आप गेट एडमिशन के थ्रू ले सकते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त इस वीडियो को देख पाएँ एंड वो भी अपना एडमिशन ले पाएँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, धन्यवाद।